मेरा नाम एडवोकेट अक्षय समर्थ है क्या है ये प्रोटेस्ट क्यों ऐसा? ये प्रोटेस्ट बेसिकली इसलिए है क्योंकि इस प्रोटेस्ट के जरिए हम लोगों को भी एक मैसेज देना चाहते हैं कि जिस तरीके से हमारे देश में इस सरकार ने लोगों को भटकाने का काम किया है, लोगों को आपस में लड़ाने की साजिश रची है और एक तरीके से जिस जो वायदे किए गए थे 2014 में ये सरकार आने के पहले, वो वायदे के ऊपर हर चीज़ पे ये सरकार विफल रही। मैं एडवोकेट आबिद हुसैन, हम लोग नागपुर के संविधान चौक पर ह्यूमन चेन प्रोटेस्ट में शामिल हुए हैं। हम वकील लोग देश के आम जनता की आवाज़ बनकर भारत देश की सरकार तक ये संदेश पहुंचाना चाहते हैं कि देश की असल समस्या जो है वो युवाओं को रोज़गार देना है, महिला और बच्चों का विकास है। ये आज जो हमारा मुद्दा है NRCC है और NPR पे नहीं है सर। सर जो BJP गवर्नमेंट 2014 से जो आई है तो उन्हें पहले वादा किया था कि हम 2 करोड़ हर साल रोज़गार देंगे, 15 लाख हर अकाउंट में आएंगे। जब हमने उनसे सवाल किया कि सर हमारे 2 करोड़ रुपये कहाँ हैं, हमारा रोज़गार कहाँ है, तो उन्होंने हमारे को गाय का नाम दिया, उस पर डिवाइड कर दिया। अब जब हम आज रोज़गार देश को बेच रही है सरकार ताकि लोग उनसे सवाल ना करें, आज LIC बेच डाली, आज एयरलाइंस बिक गई है। 14 फरवरी शुक्रवार 3 बजे से लेकर 5 बजे तक एक प्रोटेस्ट रखा गया था NRCCA के साथ साथ देश में बेरोज़गारी, पढ़े लिखे विद्यार्थियों को नौकरी नहीं मिलने के कारण, महंगाई के कारण, देश में जातिवाद का कारण व अन्य चीज़ों को लेकर महिला व पुरुष रोड के किनारे खड़े रहकर अपना प्रोटेस्ट कर रहे हैं। जो कामटी रोड से लेकर बाबा साहेब अम्बेडकर एयरपोर्ट तक चेन सिस्टम बनाया गया था जिसमें कई लोग उसमें उपस्थित रहे, जिसमें सभी धर्मों के लोग। नमस्कार, TNN 24 न्यूज में फिर एक बार आपका स्वागत है। मैं हूँ रियाज शेख। जहाँ NRC और CA को लेकर पूरे भारत में विरोध चल रहा है, वहीं नागपुर के संविधान चौक पर महिलाओं का विरोध, एक अलग ही विरोध देखा जा रहा है। ये महिलाएं रोड पर, रोड के साइड खड़े होकर अपना विरोध जता रही है। तो ये आइए हम कुछ महिलाओं से बात करते हैं। हाँ, रेशमा वली। क्या, किस लिए आप यहाँ रोड के किनारे खड़े हैं? हम लोग ये NRCA NPR CA के खिलाफ जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो उसके लिए यहाँ हम अपना काम काज छोड़ के जाफरनगर से इतने दूर आई हुई हैं। सरकार को क्या मैसेज देना चाहते हैं आप? सरकार को यही मैसेज देना चाहते हैं कि लेडीज़ को या मुस्लिम को, कोई कौम को कमज़ोर ना समझें और इसके खिलाफ हम उनसे मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। किसी लेडीज़ को या किसी और को कमज़ोर ना समझे, हम सरकार का मुकाबला करने के लिए खड़े हैं। आइए हम बात करते हैं। हम तो ये कहना चाहते हैं कि हमें ऐसा उलझाए ना। अभी आज इतनी मंदी चल रही है, ये मंदी में ये NRCA NPR CA में हमें उलझा के रख रहे हैं। इसके बदले हमें रोज़गार देना चाहिए इन्होंने। रोज़गार के अलावा स्वास्थ्य कितना ख़राब होते जा रहा है, एक बीमारी आते जा रही है, उसके बारे में ये नहीं सोच रहे। जरूरत नहीं थी, इससे अच्छा होता कि रोज़गार के मुद्दे पर बात करते, इससे अच्छा होता कि नौजवानों को नौकरियाँ मिलती, इससे अच्छा होता कि हमारा देश इसी बात को लेकर तरक्की करता। और कुछ महिलाएँ हमारे साथ बात करना चाहती है। हेलो मोदी जी, नमस्कार। देखिए मोदी जी, आप जो हमारे लोग को, मुसलमानों बहनों को यहाँ रोड पर लाकर खड़ा कर दिया, अच्छा काम नहीं किया आपने। आपने तो कहा था कि अच्छे दिन आएंगे और यही अच्छे दिन आए हैं। ना अस्पतालों में कोई चीज़ की सुविधा है, ना कुछ है। हाँ, यही सब अच्छे काम है कि आपके, आपको हमने चुना के लेकर आए, आपको हमने सब कुछ उधर, किया। उधर शाहीन बाग में कुछ महिलाएं बैठी हैं प्रोटेस्ट में, शायद मेरे ख्याल से दो महीने हो चुके हैं, 62 दिन हो चुके हैं और आप भी यहाँ प्रोटेस्ट कर रहे हैं जी, क्या कारण है? हमारा यही कारण है कि जो हमारे को, मुसलमानों को जो परेशान कर रहे हैं, ये बंद कर दीजिए, क्योंकि आपने तो हमको रोड पर लाकर खड़ा कर दिए। किस बानी पे, किस वजह से हमारे बाप दादा जो यहाँ ख़त्म हो चुके हैं, जो मिट्टी में मिल चुके हैं, तो उनका क्या मायनी है कि आप ये हमारे बाप दादाओं को किस सब पूछ रहे हैं? ये कोई अच्छा काम नहीं है आपका। आपको सबकी सुविधा समझना चाहिए। जिस तरीके से सबका साथ सबका विकास BJP का एक नारा था, वही महिलाएं चाहती है कि सबका साथ सबका विकास, यानी कि सारे कौम को एक जैसा देखा जाए और एक कौम जो है वो पूरी तरह से एक भारतीय कौम होने के कारण यहाँ सबका साथ और सबका विकास की बात हो रही है। मैं फिर आपको एक बार बताता चलूँ कि हम संविधान चौक पर है जहाँ महिलाएं और पुरुष एक चेन सिस्टम बना के यहाँ खड़ी है और वो भी NRC और CA का विरोध कर रही हैं, यानी कि प्रोटेस्ट कर रही है।
और उनकी मांग है कि एनआरसी और सीएए को पूरी तरह से खत्म कर दिया जाए और बात हो रोजगार पर, बात हो नौकरी पर, बात हो उन बच्चों की पढ़ाई पर जो देश का भविष्य बनने वाले हैं। ऐसे ऐसे हम बात करेंगे और कुछ महिलाओं से बात करेंगे। कोई बात करना चाहता है, कुछ बोलना चाहता है? क्या नाम है? शगुफ्ता अंजुम। क्या किस लिए आप यहाँ खड़ी है? एनआरसी एनपीआर का बायकॉट, एनपीआर का बायकॉट। लेकिन सरकार तो कुछ बोल ही नहीं रही है। सरकार कुछ बोलेगी कैसे, वो तो हमारी नज़रों से इतना गिर चुके हैं कि अब उनको कुर्सी छोड़ देना चाहिए। वो कुर्सी छोड़ देंगे तो शायद हमारे दिल में थोड़ी सी उनके लिए मोहब्बत आ जाए कि हाँ इनको हमारी फिक्र है जो इन्होंने कुर्सी छोड़ दी, क्योंकि ये कुछ नहीं कर रहे हमारे लिए, ये क्यों? एक बात मैं क्लियर करता चलूँ कि इन महिलाओं का ये भी कहना है कि अगर सरकार एनआरसी और सीएए वापस लेती है तो उनको ये लग रहा है शायद सरकार को कि हमारी इंसल्ट होगी या हमारी हार होगी। लेकिन इन महिलाओं का ये भी कहना है कि अगर सरकार एनपीआर अगर वापस लेती है तो डबल से यानी कि देशवासियों में उनकी दिल में उनकी जगह बन जाएगी, ये महिलाओं का कहना है। तो चलिए आइए मेरे साथ में। और देश का विकास है, विशेषकर पिछड़ा वर्ग के शिक्षण पे सरकार को ध्यान देना चाहिए। कौमी यकजहती, देश की अखंडता और एकता के ऊपर सरकार ने ध्यान देना चाहिए, मगर सरकार चूंकि इन मोर्चों के ऊपर विफल रही है, इसलिए सरकार अपनी विफलता को छुपाने के लिए सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट या कभी देश में नागरिकों के बीच में मतभेद करने के लिए और लोगों में तफरीक करने के लिए डिस्क्रिमिनेशन को प्रतिबद्ध करता है। देश के हित में काम करिए और संविधान चौक पर खड़े हैं। एक चेन सिस्टम बनाया गया है जो कामठी से लेकर एयरपोर्ट तक है, ये अनोखा आंदोलन मैं कहूँगा इसे। आइए हम और कुछ लोगों से बात कर लेते हैं। धन लेके आऊँगा और बड़े बड़े वादे किए थे कि हम यूं ही 15-15 लाख सबके अकाउंट में जमा हो जाएंगे, इतना पैसा आ जाएगा कि यूं ही 15-15 लाख सबको मिल जाएंगे। और काला धन की बात किया था, रोजगार की बात की थी। युवाओं को, इस देश का जो सबसे बड़ा वोटर है युवा को बोला गया था कि हम 2 करोड़ नौकरियाँ देंगे, और उसका आज रिजल्ट ये है कि इस आदमी की जो एक समझ लीजिए कुछ करेगी नहीं, ये तो जनता को करना पड़ेगा। और ये ही जनता को बताने के लिए आज ये असली मुद्दे हम लेके आए हैं। ये असली मुद्दे क्यों है, क्या है ये? आज के तारीख में रोज़गार ये असली मुद्दा है। जो गरीबी है वो गरीब और गरीब होते जा रहा है, जीडीपी गिरते जा रहा है। आज इसके संविधान के हिसाब से चलने के ऊपर हम ही लोगों को मजबूर करना पड़ेगा, क्योंकि हमारी ही गलती की वजह से ये चुन के आए। सरकार को संविधान के हिसाब से चलने के लिए मजबूर करना पड़ेगा, ये है एक एडवोकेट की आवाज़ जो आप तक पहुंच रही है। ये आज जो हमारा मुद्दा है एनआरसी सीए और एनपीआर पे नहीं है सर। सर जो बीजेपी गवर्नमेंट 2014 से जो आई है तो उन्हें पहले वादा किया था कि हम 2 करोड़ हर साल रोज़गार देंगे, 15 लाख हर अकाउंट में आएंगे। जब हमने उनसे सवाल किया कि सर हमारे 2 करोड़ रुपये कहाँ हैं, हमारा रोज़गार कहाँ है, तो उन्होंने हमारे को गाय का नाम दिया, उस पर डिवाइड कर दिया। अब जब हम आज रोज़गार देश को बेच रही है सरकार ताकि लोग उनसे सवाल ना करें, आज LIC बेच डाली, आज एयरलाइंस बिक गई है हमारी, जब उनसे हम सवाल कर रहे हैं तो क्या बोलती है, देखिए हमने मुसलमानों के लिए लाया CA कानून, हमने NRC लाया, हमने NPR लाया। सर जब देश के मुद्दे असल मुद्दे ये है, सर हम अमित शाह जी से पूछना चाहते हैं कि देश की सिक्योरिटी के लिए आप क्या करते हैं? सवाल किया गया कि आपने जिस मुद्दे पे आपने चुनाव लड़ा और आपने जनता से वादा किया तो आज आप जनता को धोखा दे रहे हैं। सर हम जब आपसे पूछना चाहते हैं सर रोज़गार कहाँ है, लोग पढ़ाई कर रहे हैं, जॉब नहीं मिल रही उनको और मर रहे हैं, वो आत्महत्या कर रहे हैं। जब उनसे सवाल करते हैं तो बोलते रुक जाओ, हमने कश्मीर में 370 लगा दिया है, कश्मीर को जला दिया है। सर क्या कर रहे हैं आप हिंदुओं को मुसलमानों के खिलाफ लड़ा रहे हैं, मुसलमानों को हिंदुओं के खिलाफ लड़ा रहे हैं और देश को बेच डाल रहे हैं। सर जब जनता को मालूम है, जनता को बहकावे, जनता बहकावे। सिस्टम बनाया गया है यहाँ से लेकर पूरा संविधान चौक से लेकर एयरपोर्ट तक के, और उस दिशा में, उस सूरत में, उस आकृति में विरोध जताया जा रहा है। कैमरामैन अजीज शाह के साथ रियाज शेट्टी, है ना, 24 न्यूज़ नागपुर।